कोरोना वायरस की गिरफ्त में फंसी दिल्ली का भविष्य और भयानक दिख रहा है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के मुताबिक 31 जुलाई तक राज्य में 5.5 लाख केस हो सकते हैं। डिप्टी सीएम सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली सरकार को लगता है कि अब कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो गया है, लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार को ऐसा नहीं लगता। कम्युनिटी स्प्रेड की घोषणा केंद्र सरकार ही करेगी। उपराज्यपाल अनिल बैजल द्वारा बुलाई गई दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी DDMA की बैठक से निकलने के बाद सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार के अधिकारियों ने कहा है कि राजधानी में अभी सामुदायिक प्रसार नहीं हो रहा है। सामुदायिक प्रसार तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी ज्ञात संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए बिना ही इसका शिकार हो जाता है। केंद्र सरकार ने भारत में कोरोना वायरस के सामुदायिक प्रसार को लेकर हमेशा इनकार किया है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि 15 जून तक दिल्ली में कोरोना के कुल 44,000 तक केस पहुंच सकते हैं। आंकड़ा 30 जून तक बढ़कर 1 लाख पहुंच सकता है। वहीं 31 जुलाई तक मरीजों की संख्या 5.5 लाख तक पहुंच सकती है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल से उस फैसले पर फिर से विचार करने को कहा जिसमें दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के लोगों के इलाज करने की बात की गई थी, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया। डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक के बाद उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दोपहर 3 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में कोरोना के मौजूदा हालात और इसे रोकने के उपायों पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता शामिल हो सकते हैं। दिल्ली में सोमवार को कोरोना वायरस के 1,007 नए मरीज सामने आए। इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमितों की संख्या करीब 30,000 पहुंच गई है, जबकि संक्रमण ने अब तक 874 लोगों की जान ले ली है। बुलेटिन के मुताबिक अब तक 11,357 मरीज संक्रमण से ठीक हो चुके हैं, जबकि 17,172 रोगी इलाज करा रहे हैं। इसमें कहा गया है कि अब तक COVID-19 के 255,615 नमूनों की जांच की गई है। इसके अलावा 13,405 संक्रमित मरीज घर में आइसोलेट हैं। 248 मरीज वेंटिलेटर पर या ICU में हैं। शहर में कंटेनमेंट जोन की संख्या सोमवार को बढ़ाकर 183 हो गई, जो रविवार को 169 थी। इस बीच एक अच्छी खबर यह आ रही है कि देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद अपने आप ठीक हो चुका है। यह बात सामने आई है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के ताज़ा सर्वे में। आबादी के भीतर कोरोना की पहुंच और असर का पता लगाने के लिए सीरोलॉजिकल सर्वे किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआती नतीजे हॉटस्पॉट शहरों की एक तिहाई आबादी में संक्रमण फैला था। यह मरीज खुद ब खुद रिकवर हो गए, उनके शरीर से एंटीबॉडीज मिली हैं। सर्वे की शुरुआती रिपोर्ट कैबिनेट सचिव और प्रधानमंत्री कार्यालय से साझा की गई है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।